यह है बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, जिसका कुछ हिस्सा पहली ही बारिश में धस गया। बीती 16 जुलाई को पीएम नरेंद्र मोदी ने पूरे देश को इसी बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे की सौगात दी थी और सिर्फ 5 दिनों में ही एक्सप्रेसवे पर गड्ढे हो गए हैं। इसको लेकर अखिलेश यादव ने सवाल उठाए हैं, तो वहीं योगी सरकार के मंत्री ने अपना तर्क भी दिया है। अब मंत्री नंद गोपाल नंदी का क्या कहना है, उनका क्या तर्क है, ये आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले अखिलेश यादव का ये ट्वीट देखिए। अखिलेश यादव ने 21 जुलाई को ट्वीट किया और एक वीडियो शेयर करते हुए लिखा, यह भाजपा के आधे अधूरे विकास की गुणवत्ता का नमूना। उधर बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का बड़े लोगों ने उद्घाटन किया ही था और इधर हफ्ते में ही इस पर भ्रष्टाचार के बड़े बड़े गड्ढे निकल आए। अच्छा हुआ इस पर रनवे नहीं बना। तो इस मामले को लेकर अखिलेश यादव ने योगी सरकार को घेर लिया। अखिलेश यादव के ट्वीट के बाद योगी सरकार के मंत्री नंद गोपाल नंदी ने इस पर जवाब दिया और इन गड्ढों के पीछे का कारण भी बताया। सबसे पहले नंद गोपाल नंदी ने अखिलेश यादव का ट्वीट रीट्वीट करते हुए लिखा, अखिलेश यादव जी, सुना है आप ऑस्ट्रेलिया से पढ़कर लौटे हैं। अलग बात है कि आप अपने आप को गूगल मैप का बड़ा जानकार मानते हैं, लेकिन प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री की मर्यादा के अनुसार थोड़ा लिखकर फिर पढ़कर पोस्ट करना चाहिए। कम से कम बेसिक टेक्निकल नॉलेज तो आपको होनी ही चाहिए। मंत्री ने एक के बाद एक कई ट्वीट किए। दूसरे ट्वीट में लिखा, स्ट्रेट एज एवं प्रोफाइलोमीटर से सतह असमानता की जांच एवं जहां कहीं भी असमानता है उसको दूर करने के लिए विशिष्टियों के अनुसार आयताकार विभाग में पूर्ण प्रयुक्त सामग्री को हटाकर दोबारा सरफेस लेयर का कार्य किया जा रहा है। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के निर्माण के पश्चात विभिन्न तकनीकी परीक्षण कराए जा रहे हैं और इसी बीच मंत्री ने अखिलेश यादव को ट्वीट कर कहा, मेरी आपको सलाह है कि अपने अल्प ज्ञानी सलाहकारों के अधकच्चे ज्ञान के भरोसे राजनीति ना करें। तो यूपी सरकार के मंत्री नंद गोपाल नंदी के मुताबिक बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के निर्माण के बाद अब अलग अलग टेस्ट हो रहे हैं और खामी पाए जाने के बाद उस पर काम किया जा रहा है। तो एक तरफ अखिलेश यादव के सवाल और दूसरी तरफ मंत्री का तर्क। इन सभी के बीच अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी तक।